शिवपुरी में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने सख्ती दिखाई है। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर जो लोग गाड़ी चला रहे थे, जिसको आज पुलिस ने पकड़कर यातायात थाने लाकर जब्त कर दी है। पुलिस द्वारा लगभग 3 दर्जन वाहनों को थाने लाया गया। वाहनों के दस्तावेज सहित ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर 500-500 रुपये के कुछ वाहनों की चालानी कार्यवाही करके छोड़ दिया गया। हालांकि जिन वाहनों के कागज कंप्लीट थे उनको कड़ी समझाइश देकर भी छोड़ा गया है। हालांकि एक दिन पहले ही दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठकर पिछोर से खनियादाना जा रहे रास्ते में भयानक हादसे के शिकार हो गए थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज जो दो पहिया वाहनों पे तीन सवारी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है और कितनी क्या वाहनों को पकड़ा गया है? आज जो शहर में दो पहिया वाहन पर तीन सवारी जो लोग घूम रहे हैं शहर में, इससे क्या है कि शहर की एक छवि को खराब किया जाता है इनके द्वारा। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अपन आए दिन देखते हैं कि कहीं लूट डकैती चोरी में ये तीन जो लोग घूम रहे हैं, पर थोड़ा सा पाबंदी लगानी है। हमारा सबसे श्रीमान का जो SP महोदय का निर्देश है कि तीन सवारी शहर में नहीं दिखना चाहिए, इसी के आदेश के उसमें पालन में आज हम मेरे द्वारा तीन सवारियों को जो बैठे चलन पर कार्रवाई की गई है। लगभग 40-45 से अभी मोटरसाइकिल हमने जब्त की है तीन सवारी वाली, और निरंतर ये कार्रवाई करेंगे क्योंकि एक शहर की यातायात व्यवस्था भी बनाकर रखना है और लोगों में सख्ती मैसेज देना है कि शहर में अगर चलना है दो पहिए वाहन पर तीन सवारी आप नहीं चल सकेंगे। इसके बाद अगर ये मैसेज आपके माध्यम से सभी तक पहुंचेगा, मेरा ये मानना है, इसके बाद अगर फिर से ये अगर ये तीन सवारी शहर में घूमते हैं तो मैं इनको जब्त करके न्यायालय की कार्रवाई करूंगा, जो बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, और अधिक से अधिक जुर्माना जितना भी हो सकता है उनको कराने का पूरा प्रयास करूँगा और अपने शहर में एक अच्छी यातायात व्यवस्था बनाने का प्रयास करूँगा। सर, अभी जो वाहन पकड़े हुए हैं, क्या अभी उनको कोई एक मौका देके छोड़ दिया जाएगा या फिर किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? नहीं, अभी मौका नहीं दे रहे, अभी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और उल्लंघन तो इन्हें किया ही है, तो चालानी कार्रवाई करके ही छोड़ दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।